अपने मुआशरे को नजर डाले, आज हमें अपनों से दोस्ती करने नहीं आता। इतना आखिरी शेर मेरी खट्टू की तकदीर है, हजरत आज देखे एक बाप बेटे में दुश्मनी है, एक माँ बेटी में दुश्मनी हो रही है, आज एक भाई भाई का दुश्मन बना है, आज एक शहर वाला दूसरे शहर वालों का दुश्मन बना है, आज एक गाँव वाला दूसरे गाँव वालों की नफरत कर रहा है, आज एक इलाके वाला दूसरे इलाके वालों से नफरत कर रहा है, आज एक घर में कई झगड़े हो रहे हैं, नफरत का माहौल है मेरा, लेकिन कुर्बान जाऊंगा मैं के ताजदार में, अल्लाह का महबूब आया मक्के की जमीन पे, तो क्या संदेश लेकर के आया, क्या मैसेज लाया, रोज का सर तो दूसरा मैं देगा, तो खुदा का बाप अपनी जवानी करने आए थे, मोहम्मद अपने रब की तर्जमानी करने आए थे, और उन्हें लोगों को जहरों को दिलों को फतेह करना था, वो बोलता ऐसे लोगों को पानी करने आए थे, वो बोलता ऐसे लोगों को पानी करने आए थे, और हमें आता नहीं अपनों से दोस्ती करना, वो तो दुश्मनों पे भी मेहरबानी करने आए थे, हमें आता नहीं हमें आता नहीं अपनों से दोस्ती करना, वो दुश्मनों पे भी मेहरबानी करने आए हैं, और वो से बात की महफिल में बैठे हैं हम लोग, है ना, वो से बात का उन्होंने से बैठे शेर है कि दी की आंखों से काम लेता हूं, वाह वाह वाह, दी की आंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम लेता हूं, दी की आंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम लेता हूं, और दूर होती है मेरी सारी मुसीबतें जब भी गौसे-आज़म का नाम लेता हूँ, दूर होती है मेरी सारी मुसीबतें जब भी गौसे-आज़म का नाम लेता हूँ, भाई शेर है ये इश्को उल्फत का मुझे हथियार लेना चाहिए, इश्को उल्फत का मुझे हथियार लेना चाहिए, प्यार का करीब से प्यार देना चाहिए, इश्को उल्फत का मुझे हथियार देना चाहिए, प्यार के गले उसे प्यार देना चाहिए, और जो भी गौसे पाक से रखता है चौराहे पे उसे मार देना चाहिए, मैं नहीं चाहता ज्यादा शायरी में पकड़ लिया जाए, जैसे बात सुना दिया अपने बाप का सुन लिया, सैयदना ना किया ना के मौलाना का मेरे बाद में जो जो शरीफ बारी बात सुनी चला तो सलाम का भी दिया दिया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम, तब मैंने कुरान मजीद का मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, और बड़ी खुशी की बात है कि आपके प्यारे मोहब्बत में सुखपुरा में ये अजीम शान महफिल गौसे बरकत कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूर जलसे का इंतजाम किए, महफिल रसूली का इंतजाम किए, सभी लोग इस वक्त तक बैठे थे, और यहाँ बैठे हैं किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार किसी से बैठे हैं, सजाने का मकसद मेरा क्या था, ये बियाइते हैं ये डिग्रेशन ये शमियाना उलमाई ग्राम को दूरो दराज से बुलाना, इसका मकसद है, मकसद क्या था यार, आज जवान के हालात तो ऐसी हो गई है इस किस खतर दौर में, जो जवान जलसे और मिलाद को सुनना नहीं चाहता है इस किस खतर दौर में, इस खतरनाक माहौल में कोई शख्स इबादत करना नहीं चाहता है, इस माहौल में सुकूरा वाले गौसे बरा नाम से आपने जलसा सजा करके बैठा है, ये कम नसीबी की बात नहीं है, ये आज अल्लाह ने दिल बनाया है किसी से प्यार के लिए, है ना, तो दिल में सबके दिलों में मोहब्बत किसी के लिए, मां की मोहब्बत किसी के दिल में, बाप की मोहब्बत किसी के दिल में, औलाद की मोहब्बत, लेकिन वो दिल खूबसूरत है जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हां वो कामयाब आ जाता है, ये मेरे रसूल अपना सजा रहा है इसलिए सजा रहा है, आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, यहाँ का जवान खड़ा होकर के कहेगा मौलाना आपको पता नहीं है हमने जलसे का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि यहाँ कोई हुजूर की सुर्खियों के बारे में बात बात ले, यहाँ कोई हुजूर के चेहरे पे के बारे में बात बात ले, हुजूर की कोई रफ्तार की बात बात ले, कोई कोई की बात करें, मैं पूछना चाहूंगा जवान तुमने दुनिया में बहुत सारे हसीनों को देखा है, दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत चेहरे वाले को देखा है, दुनिया में बहुत ताकतवरों को देखा है, दुनिया में बहुत पैसे वाले को देखा है, बहुत समझदार को देखा है, लेकिन आज की रात कह रहा है हमारा की लाल की बात करने की बात कर रहा है, उसके चेहरे की बात कर रहा है, उसके जुल्फों को बात मारने के लिए कह रहा है, उसकी रफ्तार की बात मारने के लिए कह रहा है, हर जवान बात मारेगा हाँ मौलाना ये बात तो सच है, आज पूरी दुनिया जायजा ले लिया जाए, जब मैंने पूरी दुनिया के ताकतवर को देखा, पूरी दुनिया के हुस्न वालों को देखा, पूरी दुनिया के
जाते होंगे, पूरी दुनिया में घूमे होंगे, अल्लाह ने सबको बनाया है, अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों को बनाया है, किसी को किसी का चेहरा खूबसूरत बनाया है, किसी का काला बनाया है, किसी को नाटा बनाया है, किसी को तगड़ा बनाया है, किसी को अगवा बनाया है, किसी को बहरा बनाया है, किसी को लूटा बनाया है, साल का रहमत की बारिश है। हां तो उम्मीद करता हूं आइंदा साल आप इससे अच्छा चलाइएगा, वरना साहब
फायदा देना चाहते हैं मेरे बॉस बाबा के साथ मारते हैं एक दिन अल्लाह के आफत का खातिर मांगना क्या मांगना चाहता है या आपको देखना अपना कादिर से अल्लाह कह रहा है क्या मांगना चाहता है कोई हमें जो हमसे अल्लाह कह रहे हैं हम क्या बात है कि हमसे अल्लाह कह रहे हैं तुझे क्या चाहिए या मैं कहना चाहूंगा अपना किरदार इतना बेहतर कर ले अपना किरदार इतना बेहतर कर ले कि हमसे भी तो कोई अल्लाह पूछे बता मेरे बंदे तू चाहता क्या है आज बंदा चाहता है मेरे पास कार हो जाए आज बंदा चाहता है मेरे पास जमीन हो जाए आज बंदा चाहता है मेरा मकान ऊंचा हो जाए बंदा चाहता है मैं बीमार हो जाऊं आज बंदा चाहता है मेरे पास पैसे हो जाए लेकिन होता नहीं है वही होता है जो कंजूरे खुदा होता है देख अल्लाह का मार रहा है अपने अब्दुल कादिर से फरमा रहा है गौसे पाक से फरमा रहा है वो अब्दुल कादिर क्या चाहिए इसलिए वो पैसों के लिए नहीं जीते थे वो सबकत के लिए नहीं जीते थे और मान के लिए नहीं जीते थे वो दुनियादार की मोहब्बत के लिए नहीं जीते थे मदीने के ताजदार की मोहब्बत के लिए जीते थे और خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے وہ عبد القادر سے اللہ نے فرمایا عبد القادر بتا نا تجھے کیا چاہیے عبد القادر نے فرمایا جانتے ہو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی عبد القادر سے محبت کرے گا جو بھی عبد القادر سے پیار کرے گا اللہ اسے کبھی جنت میں پیار نہیں کرے گا اللہ نے کہا تھا کہ عبد القادر جا میرا وعدہ ہے جو تیری محبت میں انتقال کر کے آئے گا میں اسے آگ میں کبھی نہیں جلاؤں گا اس دنیا میں ان کا لنگر کیوں نہ ہو یا غوث کی شان میں پڑھاؤں گا بتا رہا تھا وہ ایک شخص تھا جو ہر گیارہ کو غوث کے نام سے لنگر کیا کرتا تھا غوث کے بعد جب گیارہ تاریخ آتی تھی لوگوں کو دعوتے کرتا تھا تھکوں کو بلاتا تھا مسکینوں کو بلاتا تھا کھانا کھلاتا تھا اور سب کو پیسہ خرچہ کرتا تھا غوث کے نام پہ لنگر کیا کرتا تھا خوب پیسہ خرچہ کرتا تھا لیکن اس کے گھر کے سامنے ایک کافر تھا نان مسلم تھا جو کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا वो मजहब गैर मुस्लिम था लेकिन उसने देखा था क्या जब भी ग्यारह तारीख आती है ये मेरा दोस्त जो उसका दोस्त भी था ये मेरा दोस्त पता नहीं इतना पैसा खर्चा क्यों करता है इसके पास आने पैसे आते कहां से थे सुने जो छोटी आज गौसे पाक की महफिल का एहतमाम किए हैं जितने लोग भी आज गौसे पाक कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं मेरा यह पैगाम है वो शख्स था मजहब गैर मुस्लिम आकर पूछ लिया अरे मेरे दोस्त हर ग्यारह तारीख को तू गौसे पाक से नजर करता है हर ग्यारह तारीख को पैसा निकालता है पैसा खर्चा करता है लोगों की दावतें करता है आखिर तुझे मिलता क्या है आखिर तुझे इससे फायदा क्या है बता ना मेरे दोस्त आखिर तुझे फायदा क्या होता है इतना पैसा لوگوں کو دعوت کرتا ہے لوگوں کو کھلاتا ہے پیسہ خرچا کرتا ہے وہ دوست دوست جواب دیا کہا میرے دوست نہیں جانتے ہو آج گیارہ تاریخ کو میرے خوص کے نام سے لنگر ہے گیارہ تاریخ کو میرے خوص کا لنگر ہوا کرتا ہے جو پوری دنیا آج بنا رہی ہے کیوں بنا رہی ہے صحیح میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے گھر سے بھی باپ کا انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر سے بھی چچا کا انتقال ہوتا ہے آپ کا دادا کا انتقال ہوتا ہے آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے آپ کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے باپ کو یاد کر رہا ہے اپنے دادا کو یاد کر رہا ہے کتنے دن تک یاد کرتے ہیں صحیح اگر باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا 40 دن تک یاد کرتا ہے 20 دن تک یاد کرتا ہے خوب محبت ہے ایک سال تک یاد کرتا ہے لیکن خدا کی قسم میرے غوث کو دیر ہوئے نہ جانے کتنے سال ہو گیا لیکن آج بھی پوری دنیا میں غوث کے نام کا لنگر لٹایا جا رہا ہے سوسپورا میں بھی غوث کے پاس کا جلسہ سجایا جا رہا ہے آج غوث کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے آخر معاملہ کیا ہے تو آواز آئے گی کہ ہمارا باپ تو اولاد کے لیے جیتا رہا ہمارا باپ مال کے لیے جیتا رہا دنیا دار کے لیے جیتا رہا لیکن وہ باپ کے غوث کے پاس اپنے اولاد کے لیے نہیں جیتا تھا اپنے بال بچے کے لیے نہیں جیتا تھا اپنے والدین کے لیے نہیں جیتا تھا اس کا مقصد تھا کہ میرا پیغمبر راضی ہو جائے میرا خدا راضی ہو جائے کہ جو خدا کی محبت میں پیغمبر کی رضا میں زندگی گزار کر کے جاتا ہے اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے بلکہ آواز آتی ہے کس کا میلی نہیں ہوتی زبر میلا نہیں ہوتا محمد کے خدا کا بن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ
کہا جو غوث کے نام پہ لنگر بچھایا کرتا ہے, غوث کی محبت میں زندگی گزار کر کے جاتا ہے, یا پھر حضور کی محبت میں جو زندگی گزار کر کے جاتا ہے, اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے, اس کے نام کو بلند رکھتا ہے. آج ہمارے گھر سے بھی جنازے جاتے ہیں, جوانوں ہماری دوستی کس سے ہے, آج دوست کے لیے جا جاتے ہیں. یہ چائے والے آپ کے پھر کھڑے ہو گئے, تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے. تو آج دیکھیے دوست کی سہزادی مر جانا ہے, چار دن کی زندگی ہے, تو قبر میں آج دنیا میں اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے, اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے, اپنے حسن کو سنوارنے کے لیے آئینوں کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہا کرتے ہیں. لیکن صاحب آپ نے سوچا کہ قبر میں ہمارا جسم کیسے سنوارا رہے گا؟ آج ہم نے دوستوں کے لیے تو اپنا ٹائم دیا, ہم نے دوستوں کے لیے تو اپنا وقت دیا, آج دوستوں کا کال کیا آ جائے گا؟ ایک جواب دوست کی محبت میں خراب ہو جاتا ہے, دوست کے ساتھ چلا جاتا ہے, 12 بجے رات ہو یا 2 بجے رات ہو, اگر دوست کا کال آ جائے تو ساتھ ہی چلا جائے گا. لیکن سوچنا جب جب انتقال ہو جائے گا میرا ساتھ ہی ساتھ چھوڑ دے گا, میں بتانے کی کوشش کروں گا. آج دوستوں کے بغیر جینے والوں آج بولتے ہیں دوست تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا ہے, تو نہیں رہتا تو میرا دل نہیں لگتا ہے, دل لگتا ہے کہ تیرے لیے آسمان سے تارے لاؤں. یہ دنیا کے دوست ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے یہ کتنا بے وفا آپ کا دوست ہے. جب آپ کی سانسیں سن جائے گی, جب آپ کا انتقال ہو جائے گا, جب آپ مر جاؤ گے وہ دوست بلائے گا, آپ کا باپ بلائے گا, بلانا فلاں فلاں لڑکا میرے بیٹے کا دوست ہے, بلایا جائے گا آپ کے دوست کو, باپ کہے گا دیکھنا بیٹا تیرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے, ذرا اس کا کپڑا چینج کر دے, ذرا اس کو غسل دے دے, ذرا اس کو نہلا دے. لیکن اب وہ آپ ہی کا دوست جس کے آپ نے ایک فون پر شراب کا ڈب دیا ہے, جس کے ایک فون پر آپ نے جوا کا ڈب دیا ہے, جس کے ایک فون پر آپ نے آرکسٹا کا ایف ایم گیا ہے, جس کے ایک فون پر آپ نے بات کا یا شروع کا ڈب گیا ہے, وہ دوست آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لاش کو ہاتھ لگانے سے ڈرے گا, آپ کا کپڑا چھونے سے ڈرے گا, آپ کو غسل کرانے سے ڈرے گا. لوگ میرے تیرا دوست ہے, اس کا کپڑا اتار دینا, اس کو غسل کرا دے, وہ دوست رہے گا نہیں مولانا, یہ دنیا میں میرا دوست تھا, یہ دنیا میں میرا ساتھی تھا, لیکن اب انتقال کر گیا ہے, اب اس کے کپڑے چھونے سے ڈر لگ رہا ہے, اس کو ہاتھ لگانے سے ڈر لگ رہا ہے. ہاں اگر چھوئے گا بھی تو کبھی لکڑی سے آپ کے کپڑے کو سائز کرے گا, کبھی دو گئی سے پکڑ کے سائز کرے گا. میں پوچھنا چاہوں گا, پاپا کہاں چلی گئی تیری دوستی, کہاں چلا گیا تیرا پیار؟ تو تو بولتا تھا دوست تیرے لیے جان دے دوں گا, تیرے لیے میرا دل نہیں لگتا ہے, تیرے بغیر میرا جی نہیں لگتا ہے. لیکن آج انتقال کے بعد اس کے کپڑے چھونے سے ڈر لگ رہا ہے, اس کو خوشبو چلانے سے ڈر لگ رہا ہے, اس کو ہاتھ لگانے سے ڈر لگ رہا ہے. یہی تک نہیں صحیح, چچا نہلا دیں گے, دادا نہلا دیں گے, وہ آپ کا دوست آپ کے جنازے میں جائے گا, آپ کو کندھا بھی دے گا, لیکن قبر میں جب اتارنے کی باری آئے گی آپ کے دوست کو بلایا جائے گا. بلائی سے سلا دوست ہے, آج ذرا آخری کھڑی ہے, اس کو قبر میں اتار دے, آپ کا دوست رہے گا نہیں مولانا, دنیا میں اس کے لیے جان رہتا تھا, لیکن قبر میں اترنے سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں قبر میں اترنے والا نہیں ہوں, مجھے قبر کے اندر جانے میں ڈر لگ رہا ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گا, پتا کہاں چلی گئی تیری دوستی, کہاں چلا گیا تیرا پیار, کہاں چلا گیا تیرا عشق؟ جو پھر وہ تھا تیرے لیے جان رہتا تھا, تیرے بغیر دل نہیں لگتا ہے. آج تیرے قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے, آج تجھے جنازہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پوچھنا چاہوں گا, مٹی منور ہو جائے گی, سب کوئی مٹی ڈال دے گا, ایک ایک سوراخ کو بند کر دیا جائے گا, قبر کی اندھیری کو کھول کے آپ کو بند کر دیا جائے گا, اس جگہ پر دیا جائے گا جہاں لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا, روشنی کا انتظام نہیں ہوگا, جہاں کسی چیز کا انتظام نہیں ہوگا. بند کوٹھی میں, اندھیری کوٹھی میں بند کر کے جب لوگ واپس پلٹیں گے, آپ آپ سے آواز دیں گے, اے دنیا کے میرے دوست, تیرے لیے میں جان دیتا تھا, تیرے لیے شراب کا ڈب پہ جاتا تھا, تیرے لیے چوہا کا ڈب پہ جاتا تھا, تیرے لیے میں عیاش کا ڈب پہ جاتا تھا. اے میرے دوست, آپ آپ پہ تھوڑی دیر ٹھہر گا, وہ دوست آپ کی آواز کو نہیں سنے گا. اب میں پوچھنا چاہوں گا, بتا کہاں چلی گئی دوستی, کہاں چلا گیا تیرا پیار, کہاں چلی گئی تیری محبت, جو بولتا تھا تیرے لیے جان دے دوں گا. آپ آپ سے آواز دے کر تھک جائیں گے, لیکن کوئی دوست رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ کا باپ بھی پلٹ جائے گا, آپ کا بھائی بھی پلٹ جائے گا, آپ کا رشتہ دار بھی پلٹ جائے گا, آپ کا ساتھی بھی پلٹ جائے گا. اب میں پوچھنا چاہوں گا, جب جب میں آپ آواز دے کر کے تھک جائیں گے تو دنیا میں کوئی مستثنا نہیں جائے گا, اگر بچانے جائے گا تو مدینے کا تاجدار جائے گا. اس وقت آپ کہو گے, یا رسول اللہ, آج پتا چل گیا یہ دنیا کے دوست بڑی بے وفا ہے, میں نے دولت مندوں سے دوستی بنایا تھا وہ بھی بڑی بے وفا ہے, میری شرابیوں سے دوستی تھی, میری جوانیوں سے دوستی تھی, میری ڈیوٹی میں فری فائر والوں سے دوستی تھی, کپڑی والوں سے دوستی تھی, فیس بک والوں سے دوستی تھی, واٹسپ والوں سے دوستی تھی. لیکن یا رسول اللہ, آج پتا چل گیا اب میں سب کی دوستی بے وفائی ہے, اگر وفا ہے تو یہی ہے.
Allahu Akbar. Nara risalah. Hazane Gausia. Nara takbir. Nara risalah. इसलिए प्यार करते हैं ना कि किसी के पास ज्यादा दौलत हुआ करती है या ज्यादा जमीन होती है ज्यादा उसका चेहरा खूबसूरत होता है या फिर उसके पास ताकतें ज्यादा होती है इसलिए प्यार करते हैं ना साहिब लेकिन आओ ना मदीने वाले मुस्तफा का दरबार जाओ अल्लाह ने पैगंबर से ज्यादा दौलत दुनिया में किसी को नहीं बनाया है आज हम इसलिए प्यार करते हैं कि शाहरुख खान के पास ज्यादा ताकतें हैं जिसकी पिक्चर तो देखते हैं तीन तीन घंटा है आज सीरियल ये लगाओ सब की मोहब्बत है क्या उसका हुस्न है क्या उसके पास खूबसूरती है अल्लाह का मार हाथ की वही अपने महबूब से हुस्न वाला दुनिया में किसी को नहीं बना रहा है क्या वो हुस्न वाला वो पैगंबर आजम आओ ना देखे वो आशिक किसे कहते हैं हम इसलिए प्यार करते हैं कि हम एक हीरो के पास ताकत ज्यादा है इसलिए प्यार करते हैं उसके पास हुस्न ज्यादा है उसके पास मान ज्यादा है आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा अगर ताकत के दुनिया जो चाइल्ड करके लोगों का वाला बनाता हो ऐसे हीरो से प्यार ना कर जो अपनी अपनी देखा कर लोगों को पागल बना रहा हो ऐसे हीरो से प्यार ना कर जो अपनी ताकत को अपने ताकत को फरेब देखा कर लोगों को धोखा दे रहा हो आओ प्यार करना है तो ऐसे ताकतवर हीरो से प्यार कर जिसने सभी से इशारा किया तो चल चल कर दुर्गा कर दिया या उस हीरो से प्यार कर जिसने सभी से इशारा किया तो सूरज पर पलटा दिया या उस ताकतवर हीरो से प्यार जिसने इशारा किया तो अबू जहल है मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वा दिया यहाँ ताकतवर हीरो से प्यार कर जिसने जमीन पे उंगली रखा तो जमीन को पानी देना पड़ गया उस ताकतवर हीरो से प्यार करने जवा और इतना कहते हैं या रसूल अल्लाह हमने तमाम हीरो को देखा लेकिन आपके तरह किसी को नहीं देखा और यही कहा या रसूल अल्लाह आंसुओं से दोस्ती जख्मों से यारी हो गई मुस्तफा की याद जब से प्यारी हो गई और वाली के जन्नत बनाया सुभान अल्लाह हां साहिब प्यार कर लो ना मुस्तफा से मोहब्बत कर लो लेकिन साहिब आज हमने दुनिया के हीरो से प्यार किया आज हमने दुनिया के दोस्तों से मोहब्बत किया जिससे कभी वफा की उम्मीद नहीं है साहिब यहां तो दूर की बात है उस पैगंबर से आप मोहब्बत कर ले उस पैगंबर से आप प्यार कर लो ना जिसकी मोहब्बत में कभी बेवफाई नहीं है जहां कोई नहीं पहचानेगा ना वहां मोहब्बत का हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल होता है हां साहिब इससे प्यार कर ले इससे दोस्ती लगा ले ये चंद दिन के दोस्त वही बेवफा है साहिब इससे दिल लगा लेना नहीं इसको सिर्फ काम तक रखें दिल तक ला ले जाए ये दिल अल्लाह ने बनाया है अपने नबी के लिए दिल बनाया मुस्तफा के इश्क के लिए इस दिल को मुस्तफा की तरफ रवा तबा कर दे यार मुस्तफा की मोहब्बत पर इस दिल को फिदा कर दे साहिब वरना मैं पूछना चाहूंगा जिंदगी वो कामयाब नहीं है अल्लाह ने दौलत दिया अल्लाह ने दौलत दी हमारे से खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं हमारे पास अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं दिया दौलत दिया जमीन दिया हमारे पास सब चीज है करार दिया इससे कोई कामयाब नहीं होता है जिंदगी इसका नाम नहीं है हमने दौलत इकट्ठा कर लिया इसका नाम जिंदगी नहीं है हमने मकान ऊंचा कर लिया इसका नाम जिंदगी नहीं है हमने जमीन को इकट्ठा कर लिया इसका नाम जिंदगी नहीं है हमने शराब के अड्डों पर मौज कर लिया इसका नाम जिंदगी नहीं है जुआ के अड्डों पर मौज किया इसका नाम जिंदगी नहीं है फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर नंबर गुजार दिया इसका नाम जिंदगी नहीं है जिंदगी किसे कहते हैं आओ मुंबई के पठानों से ना सीखो मुंबई के हमारा पठान तुझे नहीं बताएगा अगर बताएगा तो
हां साहिब ये बरेली का पठान तुझे बताएगा, कोई ये मुंबई का एक्टर नहीं बताएगा तुझे कि जिंदगी किसे कहते हैं। आज भी चाहते हो चार दिन की जिंदगी है साहिब, अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हो। माइक में दम नहीं है लेकिन बड़ा दम लगता है, मैं अपनी दम से बोल रहा हूं साहिब, इसे रोजाना नहीं कभी भी रोजाना करना ही है। मैं मेरा कल परसों लगातार सामान में प्रोग्राम है, इसे आवाज को खाली जाएगा क्या माइक में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा साहिब। जब आया हूं इतने दूर से आपके जैसे अल्लाह का आशीर्वाद की मोहब्बत देते जो जो मैं आपका पाया है, कोशिश करूंगा आपको कुछ पैगाम दे करके जाऊंगा। चलो आज जरूरत है दोस्तों करना है तो अल्लाह वाले से दोस्ती करो, दोस्तों बनाना है मदीने वाले से सफा से दोस्ती बनाओ। साहिब मैं पूछना चाहता हूं, आओ जरा देखते हैं गौस से के रसूल से क्या मिलता है, गौस के मैं फिर कराने से क्या मिलता है, गौस से बंदर करने से ऐसे क्या मिलता है। मेरा मैं जहां से बात का चुना वहां चल रहा हूं, गैर मुस्लिम आया, गैर मुस्लिम आया और दोस्तों से पूछा, दोस्त बताना कि हर 11 तारीख को कौन से नाम से लंदर रहता है, आखिर तुझे मिलता क्या है यार उस गौस की जिंदगी देखना, गौस का पावर देख। मैंने मदीने वाले मुस्तफा का पावर बताया, अब जरा उनके बेटे का पावर देखे। अब्दुल कादिर ने शाह फरमाते हैं, अब्दुल कादिर फरमाते हैं बगदाद का गलियों से खड़े होकर नारे तकबीर नारे रिसालत बोले भाई अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। देखो भाई कलाम का लोग हैं करने वालों और उम्मीद करता हूँ आप गौस के नाम से महफिल सजाया है, गौस के नाम पे ये महफिलों का इंतजाम किया है ना और मैं इनाम को बुलाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका बदला देगा। चुपचाप अब्दुल कादिर फरमाते हैं बगदाद की गलियों से कि मेरे नाना ने इरशाद फरमाया था कि जिसने मेरे रोजे का ज़ियारत कर लेता है अल्लाह उस पे शफाअत वाजिब कर देता है। हाँ उस पे शफाअत वाजिब हो जाती है। अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि मैं उनके बेटे का बेटा अब्दुल कादिर, मैं बगदाद की गलियों से खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे इस गली से गुजर जाता है अल्लाह उसकी शफाअत वाजिब कर देता है। अब्दुल कादिर की शान है, बगदाद की गलियों से फरमा रहे हैं। आखिर उनका शान क्या है साहिब? आओ बगदाद की गली में एक शख्स इंतजार करने वाला था, बिल्कुल आखिरी कगार पे चल रहा था, मौत के करीब आ गया था, लोग उसे उठा करके ले गए बगदाद के गौस के पास, बगदाद वाले शहंशाह के पास उठा करके ले गए। लोगों ने कहा हुजूर ये इंतकाल करने वाला है, मैंने तबीबों से दिखा लिया है, डॉक्टरों से दिखा लिया है, दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, दुनिया के तबीबों ने जवाब दे दिया है, तो उसे क्या पता था यार, उसे क्या मालूम था, इसे दुनिया के तबीब की जरूरत नहीं थी, उसे तो खुदा के हबीब की जरूरत थी यार। वो फरमाते हैं लोगों ने कहा ऐ बगदाद के शहंशाह, ऐ अब्दुल कादिर, ये तेरी बारगाह में हम लोग लेकर के आए हैं, इंतकाल करने वाला है, आखिरी सांसें चल रहा है, ऐ गौस ऐ अब्दुल कादिर, फिर सुना है कि निगाह वली ने वो तासीर देखी, बदन की हजारों की तकदीर देखी, अब्दुल कादिर तेरी बारगाह में हम लोग ला दिए हैं, अगर इसकी जिंदगी है तो तेरे काम से जिंदगी मिल जाएगी, तेरी दुआओं से जिंदगी मिल जाएगी, अगर इंतकाल होगा तो तेरी दरबार में इसकी मौत हो जाएगी, तेरी दरबार में इसका इंतकाल हो जाएगा। अब्दुल कादिर ने कहा था सुनो अब्दुल कादिर की बारगाह में आए हो, इस दरबार में लोग आते हैं रोते हुए वापस होते हैं मुस्कुराते हुए, यार क्या शान है, फरमाते हैं यार मैं उस नबी के बेटे हैं जिसकी शान ये है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और सही भी अपना तो अपना है, अगर गैर भी जाते हैं तो गौस इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आता है फकीरों को उन्हें प्यार कुछ ऐसा जो खुद भी दे और कहे मांगते का भला हो। गौस है आयो मेरे दरबार में, मेरे गौस पाक ने अपने मदरसे से दिन का उठाया, एक दिन का उठाया मरीज के रूप में डाल दिया, जो मरीज ऊपर जाने वाला था ना उठ के खड़ा हो गया, वो मरने वाला जो था ना उठ करके खड़ा हो गया, लोग ताज्जुब में आ गए, लोगों ने कहा अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर
आखिर आपने क्या खाया क्या डाला ये पूरे डॉक्टर देख लिए किसी से इलाज नहीं हो पाया पूरे तबीब इसका इलाज कर दिए लेकिन आपने क्या उठाया और क्या डाल दिया कि मरीज को शिफा मिल गया यार आखिर क्या बात है वो सब आप समझते हैं कि जानते हो मैंने वो दिन क्या उठाया वो घास उठाया जिस घास पे मेरे मदरसे के बच्चे रोजाना चला करते हैं ये मेरे मदरसे के बच्चे रोजाना जिस घास पे चलते हैं मैंने उस घास के पीछे से उठाया मरीज को शिफा मिल गया मैं पूछना चाहूंगा जवान अरे जिस घास के मदरसे के बच्चों के पढ़ने वाले कदमों के नीचे की तीन के क्या ही आलम है तो मेरे घास के कदमों के नीचे रहने वाली तीन के का आलम क्या होगा वो मेरा घास का यार जिसने मुर्दों को भी जिंदगी देता है तब मैं शान से कहता हूँ कि हर घड़ी सुबह शाम क्या होगा सोच के हर सांस आम क्या होगा जिसके ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा जब मदरसे के बच्चे के चलने वाले नीचे के तिनके का आलम है तो गौस के कदमों के नीचे बनने वाले तिनके का आलम क्या होगा जब उनके कदम पर देते हैं शाहने जमाना की छोड़ी मुख्ताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा बस आज वो गौस है मुझे इशारा आ गया बस आखिरी बात मैं जवाब दूं मौत बिल्कुल सस्ती है ऐसा मर करके जाओ कि जब ये तकाल भी कर जाओ ना तो तेरे नाम पर कोई फतिया पढ़ने वाला बचा जाएगा वरना साहिब ऐसी ऐसी दोस्ती हमारी है ना ऐसे लोगों से दोस्ती हमारी है कि मरने के बाद साहिब कब्र पे फातिहा पढ़ना तो दूर की बात है आपके नाम तक भुला देगा आपका नाम भी भूल जाएगा जवान मैं पूछना चाहूंगा मौत की कोई गारंटी नहीं है आप जिससे बात कर रहे हैं अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ना हो कल मेरी मौत की अलार्म सुन लीजिएगा कल आप में से किसी की मौत की अलार्म सुन लीजिएगा हाँ मौत बिल्कुल सस्ती है साहिब कभी शराब करते पे आ जाती है कभी जुआ करते पे आ जाती है कभी शराब पीते पीते आ जाती है कभी एक्सीडेंट के हादसे में मौत आ जाती है मौत बड़ी सस्ती है साहिब तो क्यों ना जब कहे कर लो कि जब तुझे मर जाना है तो कोई ऐसा काम करके जाए कि मेरे जाने के बाद जमाने वाले ना भूले बल्कि जमाने वाले याद कर ले इसलिए मैं कहना चाहूंगा ऐसी फौत मर के जा जब तेरी जनाजा जाए तो अपना नहीं गैर देखे तो कहे ये कोई आम नहीं जा रहा है ये तो मुस्तफा का गुलाम जा रहा है ये कोई आम नहीं जा रहा है ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है जवानों जब मर जाना है तो ऐसी फौत लेकर के जा अहद कर ले कि जब मरना है तो हमारी मौत शराब करके नहीं आएगी चूहा करके नहीं आएगी फ्री फायर करते खेलते ना आएगी फेसबुक पे चैटिंग करते करते ना आएगी व्हाट्सएप चलाते चलाते ना आएगी जब मर जाना है तो आप मेरे रसूल से वादा कर लो कि जब मरना है तो हमारी मौत कभी कुरान की तिलावत करते करते आ जाएगी कभी नमाज पढ़ते पढ़ते आ जाएगी कभी कुरान की तिलावत करते करते आ जाएगी कभी माँ बाप की खिदमत करते करते आ जाएगी कभी भाइयों से प्यार करते करते आ जाएगी और मौत आएगी साहब तो फिर चैलेंज करोगे कि या रसूल अल्लाह ये मेरे माँ सितारों की दिलकशी क्या है नबी के हुस्न क्या है ये चांदनी क्या है अगर वो आना तो आना नबी के रोजे पर ऐ मौत तुझको बताऊंगा कि जिंदगी क्या है हाँ साहिब जिंदगी को आप बता देंगे कि मौत मैं बताऊंगा कि जिंदगी क्या है तो जिंदगी को काम काम कर लो साहिब जिंदगी को बेहतर कर ले ये चंद रहे की जिंदगी ये दुनिया चंद रहे की फानी दुनिया है साहिब इससे कभी भी हमारे मस्तिष्क टूट सकते हैं कभी भी अल्लाह हमारी सांसें छीन सकता है जो अल्लाह जिंदगी देना जानता है वो मौत भी देना जानता है यार दलियों से मोहब्बत करके मर जा अपने पैगंबर को राजी करके मर जा खुदा की कसम ये चंद रहे की जिंदगी में हमारा मकसद होना चाहिए कि कोई साथी हमसे राजी हो ना हो कोई पैसे वाला हमसे राजी हो ना हो मदीने वाला मुस्तफा हमसे राजी हो जाए जब मुस्तफा राजी हो जाएगा तो फिर पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाएगा हाँ तो आप कोशिश करिए कि मौत मरना है तो हमारी जिंदगी में हमसे पैगंबर आज़ाद राजी हो जाए और उसका खुदा राजी हो जाए रब्बी बार बार दुआ करूंगा अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए मस्जिद नमाज में जाकर हाजिर हो जाए अस्तगफिरुल्लाह रब्बुल आलमीन वही चमन को फूल खिलेंगे जिंदगी में फिर मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम